हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि जो एक सेल होती है वह सेल आपके किसी भी ऑर्गेनिज्म के फंडामेंटल यूनिट होती है उसके लाइफ की। और इस बारे में हम लोगों ने सेल के कुछ पार्ट्स को भी देखा था, सेल वॉल की बात किया गया था, इसके बाद हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन की बात की थी, उसके बाद साइटोप्लाज्म की बात की थी और न्यूक्लियस यानी केंद्रक की बात की थी। जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसके बारे में आप लोगों ने डिटेल स्टडी किया और हमने आप लोगों को ये बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो एक सेल का ब्रेन कहलाता है। और उस न्यूक्लियस के सारे स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देखा था और आज हम लोग उसी के आगे की बात करेंगे। हमने आपसे कहा भी था कि जिस तरीके से आपके जो सेल होती हैं वो सेल में दो तरीके के सेल हैं, एक एनिमल सेल है और एक प्लांट सेल है। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक कोश की होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। आज हम लोग उसी न्यूक्लियस के आधार पे सेल में एक और डिफरेंशिएशन करेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो बेटा आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। ओके, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल और इस प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है इसके बारे में, और दूसरा जो सेल हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो जो सेल है हमारा वो सेल दो तरह की है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी यूकैरियोटिक सेल। इज दैट क्लियर? इन दोनों में डिफरेंस हम लोग जानना यहाँ शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात, जो ये प्रोकैरियोटिक शब्द लिखा है बेटा, इस शब्द को हम लोग दो भागों में ब्रेक करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट इसका है उसको हम बोलते हैं प्रो, यानी इस प्रो और प्लस कैरियोटिक की बात करें। इस प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या मतलब होता है प्रिमिटिव या फिर इनसीपिएंट, इनसीपिएंट। और इस कैरियाटिक वर्ड जो है ये कैरियान वर्ड से मिलके बना है और इस कैरियान का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि हम ऐसे न्यूक्लियस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न्यूक्लियस हमारा प्रिमिटिव या फिर इंसिपिएंट है। अब प्रिमिटिव या इंसिपिएंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा केंद्रक, ऐसा सेल जो सेल पूर्ण रूपेण विकसित न हो, शुरुआती समय का हो और उसका पूरा का डेवलपमेंट न हुआ हो। जबकि वहीं पे हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसको दो भाग में अगर ब्रेक करें तो यू और प्लस कैरियोटिक। तो यू का मतलब होता है आपका रियल यानी कि ट्रू यानी कि वास्तविक यानी कि पूर्ण रूपेण डेवलप, और कैरियोटिक वर्ड आप यहाँ से देख रहे हैं कैरियन से बना है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी हम प्रो यूकैरियोटिक सेल उसको कहते हैं जिस सेल में न्यूक्लियस रियल या ट्रू हो। यानी कि यदि किसी सेल की बात करें, किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें, और उस ऑर्गेनिज्म में अगर जो उसका सेल है उस सेल में न्यूक्लियस फुली डेवलप्ड हो, रियल हो, वास्तविक हो। और आपको हमने बताया था कि जो हमारा न्यूक्लियस पिछले अपने वीडियो लेक्चर में हमने दिया था आपको, तो उसमें आपको बताया था कि जो एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है उसके कितने पार्ट होते हैं बेटा, याद करिए आप लोग, बताएं हमसे। हमने आपको बताया भी था कि आप हमें बताने का प्रयास करेंगे और इसी के आधार पे हम उसके बीच डिफरेंशिएशन करेंगे। तो याद करिए आप लोग कि जो एक न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में आपका सबसे पहली नंबर बात जो थी वो क्या थी बेटा, वो ये थी कि एक जो
यूकैरियोटिक सेल होगी उसमें जो न्यूक्लियस होगा वो फुली डेवलप्ड होगा। दूसरी नंबर बात कि उसमें डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ये फर्स्ट पार्ट उस दिन हमने आपको बताया था कि डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें होगी। तीसरी बात, इसके बाद हमने आपको बताया था कि इस डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपका न्यूक्लियोलस होगा और इस न्यूक्लियोलस के अंदर हमने आपको बताया बेटा, उस समय बताया था, आप लर्न कीजिए कि इसमें आपके आरएनए होते हैं और इस आरएनए का जो वर्क होता है वो वर्क होता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस करने का, यानी ये प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और हमने उस समय भी आपको बताया था कि प्रोटीन जो है उसी से किसी भी ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और पांचवी नंबर बात हमने आपको बताया था कि इसमें आपका क्रोमैटिन मैटर होता है, ये क्रोमैटिन मैटर होता है और ये क्रोमैटिन मैटर आपको हमने बताया कि रियल में ये क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम्स होता है। रियल में ये क्रोमोसोम्स होते हैं और इसी क्रोमोसोम्स पे आपके क्या लगे होते हैं, जीन लगे होते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स और जीन है ये दोनों आपके इस डीएनए से बने होते हैं। ये अगली कक्षाओं में आप जाएंगे तो देखेंगे कि डीएनए आपके किस तरीके से क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है और उसी क्रोमोसोम्स पे डीएनए के ही पार्ट के रूप में आपके जीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो डीएनए होता है आप इसको जानते हैं कि इसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है और किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो उसके कैरेक्टर्स होते हैं, जो उसके ट्रेट्स होते हैं, जो उसके गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, वो आपके इस जेनेटिक मटेरियल डीएनए के अंदर ही एज ए ब्लूप्रिंट जन्म कुंडली की तरह से सुरक्षित रहते हैं और यही डीएनए उसको पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो ये इतनी बातें आप देख चुके थे। और अब ऐसा आपका होता है, ऐसे न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस पूर्ण रूप में डेवलप होता है। और इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें बेटा हम यहाँ पे, तो आपको हमने इस तरह से बनाया था कि सबसे बाहर की तरफ आपका इस तरीके से जो न्यूक्लियस होगा उसमें डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी दिखाई देगी। मैंने उस समय भी आपको ये स्ट्रक्चर बनाया था और आप लोग भी इसको बनाने की पूरी प्रैक्टिस कर जाइए बेटा। तो ये आपका जो पोर्शन है ये डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसकी, इज दैट क्लियर। दूसरी नंबर चीज, आपने पिछले वीडियो लेक्चर में भी देखा था यहाँ पे आपका न्यूक्लियोलस था और ये न्यूक्लियोलस ही आपका ये पोर्शन है आप यहाँ देख रहे हैं और ये न्यूक्लियोलस में ही आपका आरएनए है जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा है। इसके अंदर आपका ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म आपका है ये पोर्शन आपका है, देखिए ये न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पे है और ये फ्लूइड है जिसके अंदर आपके ये न्यूक्लियोलस और ये क्रोमैटिन मैटर जो आपका दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे, ये क्रोमैटिन मैटर भी आप यहाँ अगर देखें तो ये क्रोमैटिन मैटर इस तरीके से आपके एक न्यूक्लियोलस में न्यूक्लियस के अंदर दिखाई देता है। तो इस तरीके से अगर आप किसी सेल में, अगर ये आपकी एक सेल है और इस सेल के अंदर ये जो पोर्शन है आपने देखा था कि ये साइटोप्लाज्म है और इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपका जो न्यूक्लियस है, अगर वो न्यूक्लियस इस तरीके से दिखाई दे रहा है जिसमें ये चार पार्ट आपके क्लियर कट दिखाई दे रहे हों, पहला नंबर चीज़ कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें क्लियर कट हो डबल लेयर, दूसरी नंबर चीज़ आप देख रहे हैं कि उसमें ये न्यूक्लियोप्लाज्म है यहाँ पे इसके अंदर, तीसरी नंबर चीज़ ये न्यूक्लियोलस आपके अंदर
है इसमें, और चौथी नंबर चीज़ कि ये जो पोर्शन आपका है क्रोमैटिन मैटर, और अगर किसी सेल में एक न्यूक्लियस इस रूप में दिखाई दे रहा है जो फुली डेवलप्ड हो, तो उस सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा, यूकैरियोटिक सेल। इज दैट क्लियर? वहीं पे अगर हम कोई न्यूक्लियस देख रहे हैं जो फुली डेवलप्ड नहीं है, यानी कि ऐसा न्यूक्लियस क्या है बेटा, अंडर डेवलप्ड है, यानी अविकसित है पूर्ण रूपेण, अभी उसका विकास नहीं हुआ है, उन इनसिपिएंट है, यानी कि आरंभिक समय का है, शुरुआती समय का है। तो जो आरंभिक समय का है, एकदम शुरुआत के समय का बना हुआ न्यूक्लियस है, जो फुली डेवलप्ड नहीं है उस तरीके से, वैसे न्यूक्लियस को हम बोलते हैं अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? दूसरी नंबर चीज, जो इसमें डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देती बेटा, वो ऐसे न्यूक्लियस में जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें ये न्यूक्लियस डबल लेयर मेम्ब्रेन की नहीं होती, उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन होता ही नहीं। तीसरी नंबर भी बात, जो न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ दिखाई दे रहा है, आप इस न्यूक्लियोप्लाज्म को देख रहे हैं, ये न्यूक्लियोप्लाज्म आपके इस तरह के प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, न्यूक्लियोलस भी नहीं होता, और ये क्रोमैटिन मैटर भी नहीं होता, बल्कि क्रोमैटिन मैटर और इन सब संरचनाओं की जगह पे यहाँ पे अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, तो जैसे अगर आप बात करें एक बैक्टीरिया की, तो एक बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर आप बेटा देखते हैं इस तरीके से देखते हैं कि उसके चारों तरफ एक जो सेल वाल इसकी होती है, ये सेल वाल आपकी मोटी लेयर जो आपका है, ये सेल वाल इस बैक्टीरियल सेल की होती है, तो ये सेल वाल, और इसके अंदर आपका इस तरीके से साइटोप्लाज्म होता है, जिसको आप साइटोप्लाज्म, ये फ्लूइड है जिसके अंदर इसके सारे अन्य पदार्थ होते हैं सेल के, तो ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। और इसके अलावा इस बैक्टीरियल सेल में यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो इसका होता है, वही आगे इस तरीके से एक संरचना के रूप में निकलता है, जिसको आप फ्लैजेला बोलते हैं, और ये फ्लैजेला जिस बैक्टीरिया के अंदर होता है वो इस फ्लैजेला की वजह से मूव कर सकती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, यानी मूवमेंट एक बैक्टीरिया में सेल्फ इस फ्लैजेला के कारण आता है, और ऐसी बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, मोटाइल, यानी कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर सकती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फ्लैजेला। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं बेटा न्यूक्लियस की, और वो न्यूक्लियस यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाई देता है, और आप देखिए कि ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से इस तरीके से बस एक क्रोमैटिन मैटर टाइप का पदार्थ लगा होता है, जो कि उसके डीएनए का ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है, और इसी को हम प्लाज्मिड भी कहते हैं, बड़े कक्षाओं में आप इस चीज़ को जानेंगे। तो ये जो न्यूक्लियस है, अगर हम इस न्यूक्लियस की बात करें, तो ऐसा न्यूक्लियस अगर हमको किसी सेल में दिखाई दे रहा है, जिस न्यूक्लियस में आप यहाँ देख रहे हैं कि न तो डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ दिखाई दे रही है इस तरह से, न तो इसमें आपका न्यूक्लियोप्लाज्म दिखाई दे रहा है इस तरीके से, न तो न्यूक्लियोलस इस तरीके से फुली डेवलप्ड इसमें कहीं दिख रहा है, और न ही क्रोमैटिन मैटर पूर्ण रूपेण विकसित इस तरीके से दिख रहा है, बल्कि वहाँ पे ये जो पोर्शन है वो आपके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट के रूप में, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट के रूप में दिखाई दे रहा है, और इसी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट जो एक बैक्टीरिया में न्यूक्लियस से लगा होता है या फिर स्वतंत्र होता है, ये इससे अटैच्ड भी हो सकता है या इससे अलग भी हो सकता है, इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट को हम एज एक वेक्टर के नाम से भी जानते हैं, और इस वेक्टर का यूज
आप आगे की कक्षाओं में देखेंगे, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है बेटा, इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं और इसी के माध्यम से हम किसी गुण को अगर चेंज करना चाहते हैं तो जीन का ट्रांसफ़र एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए पर ट्रांसफ़र करने में एज ए वेक्टर इसका यूज करते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई इस तरीके से आप लोगों ने आज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसके बारे में डिफरेंस को जान लिया। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसे हमसे क्वेश्चन के रूप में पूछ लीजिएगा, इसके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसे अपने अगले वीडियो लेक्चर में आपको सॉल्व करके बताएंगे। थैंक यू।